मोहतरम नदीम इफ्तिकार साहब जद्दा सऊदी अरब, अस्सलाम वालेकुम। आपके याद फरमाने का शुक्रिया। आपका हमें एक सवाल मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि सऊदी अरब में वहाबी कहते हैं कि हर नमाज के बाद दुआ मांगने का कोई सबूत हदीस में नहीं, बराए करम कुछ बताएं। मोहतरम नदीम साहब, सऊदी अरब में वहाबियों का ये कहना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मिश्का शरीफ में आप मुलाहजा फरमाइए, आप तो चूंकि जिद्दा में रहते हैं, मुलाहजा फरमा ले। मिश्का शरीफ में किताबू सलात में एक बाबू तशहुद है जिसमें अत्तहियात का बयान, और उसके बाद में एक बाबू दुरूद शरीफ है जिसमें दुरूद शरीफ का बयान है। एक बाब जो है उसमें दुआ का है, यानी दुरूद शरीफ के बाद नमाज में सलाम फेरने से पहले कौन सी दुआएं पढ़ी जाए। इसके बाद में नमाज के बाद की दुआओं पर एक मुस्तकिल बाब है कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद कौन कौन सी दुआ पढ़ते थे, वो सारी दुआएं उसमें मौजूद है। वहाबियों का ये कहना कि हर नमाज के बाद दुआ मांगने का सबूत नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसी तरह हमारे यहां आप तो जानते हैं कि ये अजीबो गरीब मसला है कि नमाज के बाद दुआ मांगने को मना कर रहे हैं। हालांकि अगर आप मसाइल की कुतुब देखें, बल्कि कुतुब हदीस भी, तो उसमें आपको ये मिलेगा। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, वुजू करने की दुआ, चेहरा धोने की दुआ, नाक में पानी ले तो उसकी दुआ, कुल्ली करें तो उसकी दुआ, हाथ धोएं तो उसकी दुआ, सर पर मसा करें तो उसकी दुआ, पैर धोएं तो उसकी दुआ, जब इजार पहने तो उसकी दुआ, नया कपड़ा पहने तो उसकी दुआ, जब चांद देखें तो उसकी दुआ, इसी तरीके से जब आईना देखें तो उसकी दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ। बताइए आप, ये सारा का सारा मामला जो है खाने के पहले की दुआ, खाने के बाद, ये सारी दुआएं इसलिए हैं कि बंदा किसी न किसी तरीके से अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से जो है वो तर रखे। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतलक फरमा, उदूनी अस्तजिब लकुम, फरमा तुम मुझसे दुआ करो और मैं उसे कबूल करूंगा। इसमें कोई कैद नहीं कि कहां दुआ की जाए, कहां दुआ ना की जाए। इसलिए आदमी के हर मरहले में दुआ करने में कोई हरज नहीं। और जो मसला आपने पूछा, तो नमाज के बाद दुआ करने पर तो मिश्का शरीफ में पूरा बाब है जिसे मुलाहजा फरमा सकते हैं।